तो जैसे कि आजकल एक प्रॉब्लम चल रहा है इंस्टाग्राम में कि अगर हम डबल टैप करके कोई भी टेक्स्ट को हम डिलीट करते हैं और उसके बाद जो है रील का लोगो और यूज़र नेम जो रिमूव नहीं होता है, जैसे कि सभी के में प्रॉब्लम चल रही है गाइस। ठीक है, अभी जैसे कि अभी थोड़ा सा मतलब कि स्टार्टिंग में जो है सभी के में से वो जब टेक्स्ट डिलीट करते थे तो वहाँ पर जो है लोगो रिमूव हो जाता था। बट गाइस यहाँ पर आज उसी का सोल्यूशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ और आप लोगों को मैं सारा सोल्यूशन आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखते रहना। तो सबसे पहले गाइस मैं यहाँ पे जो है अपनी वीडियो को एक बार आपको करके दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कि प्रॉब्लम एक्चुअली में है क्या। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे अपनी वीडियो को जो है मतलब किसी भी रील को मैंने यहाँ पे जैसे ही इंस्टाग्राम स्टोरी में अपलोड किया और वहाँ पे जैसे ही मैंने गाइस यहाँ पे कोई टेक्स्ट टाइप कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, जैसे कि देख लीजिए आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। वैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट टाइप किया और यहाँ पे जैसे मैंने इसको लेके यहाँ पे एक डिलीट का ऑप्शन ले गया, यहाँ से डिलीट किया तो ये यहाँ से रिमूव नहीं हुआ। ठीक है, और एक यहाँ पे स्टिकर वाला भी था तो मैं उससे भी करके दिखा देता हूँ, तो उससे भी मैं डबल टैप करता हूँ तो ये डिलीट नहीं हो रहा है गाइस। ठीक है, अब देखिएगा इसका सॉल्यूशन क्या है, आपको करना क्या है, तो पहले सब कुछ यहाँ से रिमूव कर देना है। फिर उसके बाद गाइस आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है एंड वो कैसे डाउनलोड करना है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, तो आप लोग अभी यहाँ पे देखते रहना, आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है आप सभी को। जैसे आप इसको डाउनलोड करोगे तो गाइस सबसे पहले आप लोगों को करना है क्या, यहाँ पे डाउनलोड कर लेने के बाद गाइस यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा वेट करना है, इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, ओपन कर लेने के बाद गाइस यहाँ पे आपका जो इंस्टाग्राम का आईडी है, ठीक है, जो भी मतलब आप पहले एक्सेप्ट कंटिन्यू कर देना है एंड उसका जो भी आपका इंस्टाग्राम का आईडी आपको यहाँ पे सिंपली यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे डालना है। ठीक है, मतलब वहाँ से उसी आईडी से लॉगिन करना है। एंड गाइस आप में से काफ़ी लोगों को अब ये लगेगा कि मतलब हम क्यों किसी और दूसरे ऐप में हम क्यों डाउन अपने आईडी को लॉगिन करें, तो गाइस इसमें मतलब कि कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग का घबराना मत बिल्कुल भी, क्योंकि गाइस क्या है कि इस ऐप को मैं पर्सनली बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि गाइस इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर्स हैं, इसमें जो है आईफोन के सारे मतलब कि इमोजीज वगैरह हैं, फॉन्ट्स वगैरह हैं, इसलिए मैं इस ऐप को यूज़ करता हूँ। तो ऐप में कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आप लोगों को सिंपली करने के लॉगिन वगैरह कर लेना है। जैसे आप लॉगिन कर लोगे तो सबसे पहले गाइस आप लोगों को करना क्या है गाइस, यहाँ पे आप लोगों को सिंपली यहाँ पे चले जाना है रील्स वाले सेक्शन में। ठीक है, यहाँ से मैं आपको पहले करके दिखा देता हूँ। बाकी रील के सेक्शन पर आप जैसे ही जाओगे यहाँ पर शेयर के ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगा। शेयर के ऑप्शन पर जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे मैं इसको स्टोरी में लगाता हूँ, यहाँ पे लेके जाता हूँ स्टोरी में। ठीक है, यहाँ पे तो मैं अभी यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं यहाँ पे जब तक ये लोडिंग हो रहा है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे ये जो है स्टोरी क्योंकि यहाँ पे आ चुका है, अब देखिएगा जहाँ पे बारी आती है हमारे इसको रिमूव करने की, तो पहले मैं इसको अलाउ वगैरह कर देता हूँ। अब जैसे कि देखिए यहाँ पे रील लोगो एंड जो यहाँ पे यूज़र नेम आप इसको रिमूव करना है, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ टेक्स्ट टाइप करूँगा और उसके बाद यहाँ से इसको मैं नीचे लेके जाऊँगा एंड यहाँ पर डबल टैप करूँगा एंड देखिएगा यहाँ पे रिमूव हो गया। ठीक है, देख सकते हैं आपके सामने लाइव प्रूफ है गाइस, एकदम गायब हो गया वो। अब गाइस देखिए यहाँ पे मैं आपको उससे स्टिकर से करके दिखाता हूँ क्योंकि स्टिकर का भी ट्रेंड था गाइस। ठीक है, तो अभी मैं स्टिकर से भी करके दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पे मैं ऐड टू स्टोरी कर देता हूँ यहाँ पे, अब यहाँ से मैं सिंपल स्टिकर वाला ऑप्शन में जाऊँगा और जो है यहाँ से ये वाला स्टिकर ले लूँगा। ठीक है, ये वाला एंड यहाँ से मैं इसको रिमूव करता हूँ। देखिएगा यहाँ से इससे भी रिमूव हो गया है ना। तो अब गाइस इसके लिए एक वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना क्योंकि आप लोगों के लिए मैंने बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है। अब चलिए बताता हूँ आपको डाउनलोड कैसे करना है। तो गाइस सबसे पहले आप लोगों को करना है कि गाइस आपको टेलीग्राम में चले जाना है अपने। ठीक है, उसके बाद गाइस आप लोगों को मेरे अकाउंट का नाम सर्च करना है यहाँ पे। ठीक है, टेलीग्राम में जाने के बाद करण मंडल एडिट जो कि आपको नीचे दिख रहा होगा मेरे चैनल का नाम, वो आपको यहाँ पर सिंपली यहाँ पर सर्च कर देना है यहाँ पे। ठीक है, एंड उसके बाद आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पर थ्री डॉट्स दिखेंगे कोने में, आपको यहाँ पर सर्च के आइकन पर जाना है। सर्च के आइकन में जाने के बाद आपको सर्च करना है होनी इंस्टा। ठीक है, होनी इंस्टा। ठीक है, इतना आप सर्च करोगे आपके सामने के एपीके लिंक आएगा। ठीक है, आपको सिंपली इसके ऊपर टैप करना है यहाँ पे एंड इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल कर लोगे का यहाँ पे इंस्टॉल कर लेने के बाद वो सेम चीज़ मैंने आपको बताई थी, आपको लॉगिन करना है सब कुछ और जो मेथड था वो यहाँ से स्टार्ट कर देना है। बाकी का आज की हमारी वीडियो यहीं थी, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।